आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हर एक जन जो बीमार है आज परमेश्वर के नजदीक आते हुए आज सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। फिर हम हर एक जन जो बीमार है, जो दुखी है, लाचार है, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी गुप्त बीमारियों को लेकर के परेशान है, हर एक बीमार, हर एक जन जो हॉस्पिटल में है आज परमेश्वर के नजदीक आए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, ताकि आज परमेश्वर अपने चंगाई वाले हाथ को, अपने शिफा वाले हाथ को आपकी ओर बढ़ाए और आपको उठा के खड़ा करे उन बीमारियों के बिस्तरों से। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमारे जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमारे जीवन में सब कुछ बढ़ाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर का, हमारा ध्यान रखने वाले परमेश्वर का, हमारी फिक्र करने वाले परमेश्वर का, आइए हम सब जन मिलकर धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु ने आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु राजा, आपने हमें रात भर संभाला, सुबह की रोशनी दे दी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सारी भलाइयों को याद करते प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने गुजरे दिनों में संभाला, आपने सामर्थ्य हाथ को हमारी ओर बढ़ाया और प्रभु हमें उठा के खड़ा किया है, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमारे परमेश्वर पवित्र, पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर और तारीफ के लायक प्रभु जी, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु पिता, हर एक जनों के लिए जो इस समय प्रभु अपने आप को आपकी हजूरी में झुकाए हैं, प्रभु यीशु, अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख आके नम्र किया है, दीन किया प्रभु, आज एक एक जनों को छूने के लिए और पिता परमेश्वर के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक वो जन जो इस समय बीमार है और हॉस्पिटल में है, हो सकता है बीमार है और अपने घर पर है, बहुत सारे लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, इस बीमारी की हालत में वो इलाज नहीं करा पा रहे, बार बार सर्जरी के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, बार बार वही प्रॉब्लम आ जाती है, एक प्रॉब्लम होने की वजह से, एक बीमारी आने की वजह से आज दो तीन बीमारियां और आ चुकी हैं, इसलिए चिंता में है। आज हर एक जन परमेश्वर के नजदीक आए और इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने आत्मा और प्राण और शरीर को, अपनी हड्डियों की प्रॉब्लम को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने हार्ट की प्रॉब्लम को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, सिस्ट को, स्टोन को, हर एक दुख को, हर एक दर्द को इस समय परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हमारे दुखों को, हमारे गुप्त बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। जब हमारे परमेश्वर के पवित्र वचन यशाया 53 और उसका 4 वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर हमारी बीमारियों के कारण हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे जो गलतियां, गुनाह और जो हम अपराध करते हैं अपनी आंखों को के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा, या अपने करैक्टर के द्वारा जो हम अपराध करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे उन अपराधों के कारण घायल किया गया, उस पर बड़ी ताड़ना पड़ी, उसने बड़े दुख को सहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 14 वचन में, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यदि आज आप बीमारी में है
और अपना इलाज करा के थक चुके हैं, अपना ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं। बार बार आपको एक प्रोसीजर, दूसरा प्रोसीजर, फिर दूसरा प्रोसीजर, ऐसे आपको प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ रहा है, पर आपकी जो बीमारी है कि वो वही की वही है। हालेलुया, आज आपको अपनी उसी बीमारी को, जिस एक बीमारी की वजह से, एक शुगर की वजह से आज आपके बॉडी में स्वेलिंग है, आपकी किडनीज में प्रॉब्लम आ गई है, आप खा पी नहीं पा रहे हो, आपको बार बार मोशंस हो जाते हैं, आपकी आंखों में इफेक्ट हुआ है, आप वीक हो गए हैं, कभी आपका वेट बढ़ता है तो कभी आपका वेट कम हो जाता है, और आपका बीपी पहले बढ़ता था अब कम होने लगा है, पहले कम होता था अब बढ़ने लगा, वो बीपी का फ्लक्चुएट होना, वो आपके हार्ट की प्रॉब्लम। आज आपको अपनी हर एक समस्या को, अपनी हड्डियों को, हड्डियों के गैप को, वो प्रॉब्लम्स, वो हड्डियां जो अपनी पोजीशन में नहीं है, आज उन सबको आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना है, समर्पण करना है। जब आप अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, दुख में, तकलीफ और परेशानी में, दर्द की हालत में, तो भी हमारे परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में पूरे होते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। जब आप सोचते हो कि मैंने परमेश्वर को अपने आप को दे दिया तो क्या हो जाएगा, जब आप विश्वास के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दोगे तो परमेश्वर की महिमा ही हमारे जीवन में से होगी, क्योंकि जब आप विश्वास के साथ कहोगे कि प्रभु जी आप मुझे चंगा करो तो मैं चंगा हो जाऊंगा, आप मुझे इस बीमारी से बचा लीजिए तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, प्रभु आपने मुझे बनाया है, अपने उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए प्रभु आपने मुझे बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब 5 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सम्मुख आके, क्योंकि प्रभु ने अपने अपने मुख से कहा, जब लाजर को कब्र से जी उठना था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको आवाज लगाई थी, उसने जी उठना था, तब प्रभु कहते हैं उसकी बहन को कि अगर तुम विश्वास करोगे, यदि तुम बड़ा विश्वास करोगी तो ही परमेश्वर की महिमा को, अपने भाई को मुर्दों में से जीवित होते हुए देखोगी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी जो है वो चंगा हो जाएगा, वो बच जाएगा, उसके अंदर से ट्यूमर गायब हो जाएगा, स्टोन गायब हो जाएगा, सिस्ट गायब हो जाएगी। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आकर के विश्वास की प्रार्थना करेंगे तब, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आपके शरीर में घाव है, डायबिटीज फुट है, डायबिटीज के कारण आपके घाव जो है सूख नहीं रहे, हो सकता है कि कुछ घाव आपके बॉडी के अंदर है, स्वेलिंग है अंदर, इन्फेक्शन है अंदर, और परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारे घाव का, हमारे जख्मों का इलाज करेंगे। वो घाव जो आपको चिकन पॉक्स के हैं, वो घाव जो आपको आपको हालेलुया बहुत पुराना है और आज उसके दाग है, और बार बार वही जगह पर वही घाव फिर हो जाता है, पर यदि आज आप कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरा इलाज कीजिए, आपने कहा प्रभु कि आप मेरे घाव का इलाज करेंगे और आप मेरा ट्रीटमेंट करेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए कहे प्रभु जी आज मेरे घाव का अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, आज मेरे घाव को छुए और ताकि ये सूख जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के पवित्र यशाया 38 अध्याय में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। आज आप की जो बीमारी है, आपको लग रहा है कि ये बीमारी आपको इंटर अंदर ही अंदर ये फील होने लगा है कि ये बीमारी की वजह से मेरा जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा, आज आपको उसी टूटे हुए मन के साथ, उन्हीं आंसुओं के साथ आज परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करनी और कहना कि प्रभु मुझे चंगा करो और मुझे जीवित रखे। जैसे हिजकिया ने प्रार्थना की थी जब वो बीमारी के कारण मरने पर था, तब उसने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना की थी, गिड़गिड़ा के दुहाई दी, रोया, तो परमेश्वर ने उसके जो जहां पर वो मरने वाला था, तो परमेश्वर ने उसकी आयु के 15 साल और बढ़ा दिए। हालेलुया, आज आप भी इसी तरह से अपनी बीमारियों को लेकर टूट चुके हैं, अपनी शर्मिंदगी को लेकर के आप टूट चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हमारा परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है, हमें शांति देता है। परमेश्वर का पवित्र वचन यशायाह 57 उसका 18 वचन में लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी
अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर कहते हैं यदि आज भी आप परमेश्वर में बने हुए हैं, आपने अपने दुखों के समय में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बीमारी के हालत में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल में पड़े हुए भी परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर कहते हैं हालेलुया कि मैं आपको आपकी चाल को देखता आया हूँ, अब मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया, मैं तुझे अब अपने स्वर्ग के सैर कराऊंगा, मैं तुझे अपने हाथों पर लिए फिरूंगा कि जो तेरा मन शोकित हो चुका है मैं तुझे शांति दूंगा। हालेलुया, तेरे तेरे मरहम पे हालेलुया मैं पट्टी बांधूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी मरहम पर पट्टी बांधूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा ग्रेट क्रिएटर हूँ, मैं तुम्हारा हीलर हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, मैं तुझे हालेलुया उन बीमारियों के गड्ढों में से निकालने वाला परमेश्वर, वो बीमारियों के पहाड़ जो आज आपको आपके सम्मुख आपके सामने लग रहे हैं कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इस बीमारी के कारण मेरे जीवन में और प्रॉब्लम्स आ गई है, मेरे शरीर में और प्रॉब्लम आ गई है, मैं और ज्यादा वीक हो गया, मेरे में और ज्यादा ब्लड की कमी आ गई है, मेरे में और ज्यादा जो सेल है वो कम हो चुके हैं। हालेलुया, बार बार डायलिसिस करा के आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, आज आपको अपने आप को परमेश्वर के कीमती लहू में कवर करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, तब परमेश्वर में चंगा करेगा जब आप अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में देंगे। आज आपके घर में एक बीमारी आई है, पूरा परिवार डिस्टर्ब है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर, बार बार बीमारी, बार बार रिपोर्ट, और बार बार कभी कोई रिपोर्ट, कभी कोई रिपोर्ट, कभी एक्सरे, कभी कभी MRI, कभी स्कैनिंग, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसे ऐसे आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। एक बार ब्लड टेस्ट हुआ, एक बार एक टेस्ट हुआ, दोबारा फिर टेस्ट होंगे, दोबारा फिर ये आप जो है ये सब करा करा के आज आप हार चुके हो। आप हार चुके हो तो आज आपको परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है। हार चुके हो जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में 12 साल की रोगन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने बहुत वैद्यों को अपने आप को दिखाया, बहुत डॉक्टर्स को अपने आप को दिखाया, पर कोई भी उसे चंगा नहीं कर पाया। पर जब वो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर को जानी, प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना, जब उसे पता चला कि या इस जगह से, इस रोड से प्रभु यीशु मसीह गुजर के जाने वाले हैं, तो वो एक विश्वास लेके परमेश्वर के सम्मुख आए कि प्रभु हालेलुया कि जब मैं अपने प्रभु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ वो चंगी हो गई। हो सकता है आज आपके गुप्त हिस्सों में आज रसोलियां है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपके यूट्रस में रसोलियां है, हालेलुया, आपको भार पड़ता है, आपको प्रॉब्लम्स है, आपको कानों से सुनाई नहीं देता, बचपन से आपको सुनाई नहीं देता, बचपन से आपको दिखाई नहीं देता, बचपन से आप चले फिरे नहीं है, बचपन से आपको प्रॉब्लम्स है, बचपन से आपको पैरालाइज्ड हो चुका है, बचपन से आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर ने बताया, छेद बताया आपके हार्ट में, आपके बच्चों के हार्ट में, इस वजह से आज आप परेशान है। हालेलुया, आज हर एक जन, हर एक बीमारी, हर एक दुखी आज परमेश्वर के नजदीक आए, उसके सम्मुख आए। इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन के इस पहाड़ों को आज मैदान में बनाने के लिए इस समय वो हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए हर एक जन अपने आप को पूर्ण रीति से आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने घाव को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, एक एक सिचुएशन को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो आपके पेट के अंदर की, आपकी बॉडी के अंदर की स्वेलिंग, अंदर इंफेक्शन, आज कहे कि प्रभु जी आप मुझे चंगा करोगे तो मैं आज ही चंगा हो जाऊंगा आज। हालेलुया, आप कमेंट्स में बताएं कि आप आज किन किन गवाहियों के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आप किन किन गवाहियों के साथ ब्लेस्ड हो चुके हैं, कैसे कैसे परमेश्वर ने आपको छुआ और चंगा किया, कैसे वो सिस्टर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर आ गई है,
क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आज हर एक जन इस सुबह के समय में उस शैतान के ऊपर, उस दुष्ट के ऊपर आज हमें गुस्सा करने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज अपने जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाहियों को देखने के लिए इसी वक्त उस बीमारी के ऊपर गुस्सा करें, उस सिस्ट के ऊपर, उस सेलिंग के ऊपर, उस बीमारी के ऊपर, उस घाव के ऊपर, उस जख्म के ऊपर आज गुस्सा करें, उस हार्ट की प्रॉब्लम के ऊपर, बीपी के ऊपर, आज उस शुगर के ऊपर। कोई भी हमारे परमेश्वर के सम्मुख ला इलाज बीमारी ठहर नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमारी को हरा दिया है। वो हमारा परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगियों को, इन बीमारियों को, शर्मिंदगियों को अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। हर एक बीमार आप हॉस्पिटल में है, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपनी आंखों को बंद करें। आप बीमारी के बिस्तर पे है, इसी वक्त अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर के हाथों में। दीन करें, नम्र करें, कहे प्रभु आज मुझे छुए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। आप मुझे चंगा करोगे तो ही मैं चंगा हो जाऊंगा, तभी मैं चंगा होऊंगा। आप मुझे छुएंगे तो ही प्रभु मैं आजाद होऊंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं हर एक रोगी के लिए, हर एक दुखी के लिए, हर एक दर्द वाले के लिए। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए 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 और आजाद करे। असिस्ट यीशु का नाम सुन, इनके शरीर से गायब हो जा। ए ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन, इनके शरीर से गायब हो जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु राजा, आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से हर इन्फेक्शन के शरीर से चली जाए। हर एक यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पेट की इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो गायब हो जाए। स्वेलिंग जो अंदर और बाहर है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी वक्त आपके शरीर को छोड़ के चली जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में चंगाई है, चंगाई है, चंगाई है। कहे प्रभु जी आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके शरीर में कमियां हैं, ब्लड की कमी है, सेल की कमी है। हालेलुया, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, सोडियम, पोटाशियम, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके शरीर में कमी है। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं हर एक शरीर की कमी को परमेश्वर आज स्वर्ग से पूरा करे, आज आपकी घटियों को परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर आपको छुए 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 और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके शरीर में सब कुछ वो बैलेंस हो जाए, सेल बैलेंस हो जाए, ब्लड बैलेंस हो जाए, हर एक इंग्रेडिएंट्स आपके शरीर का वो बैलेंस हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से गुप्त बीमारियां इनके जीवन को छोड़ के चली जाए, गुप्त रोगों से आजाद हो जाए, सिस्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जहां कहीं से भी इस समय आप परमेश्वर के जरिए साथ कनेक्ट है, आप प्रार्थना करें विश्वास की, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुने और ला इलाज बीमारी से परमेश्वर आज आपको आजाद करे। स्किन की प्रॉब्लम से आजाद करें, स्किन की एलर्जी से परमेश्वर आज आपको आजाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जो लोग गलत चीजों को इनटेक करते, खाते हैं, पीते हैं, आज परमेश्वर आपको वो गलत चीजें पीने से और खाने से आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको रोक ले। आप इससे आजाद हो जाए, गलत चीजें खाने से, गलत चीजें पीने से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करे। थैंक यू जीसस, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर आज आपके जीवन चंगाई को दे, आज आपके जीवन में चंगाई को दे। गुप्त रोगों से आपको आजाद करे, हड्डियों की बीमारियों से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आजाद करे। ए हड्डियों, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनो और अपनी जगह पे आ जाओ। हड्डियों का गैप यीशु के नाम से फुलफिल्ड हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके जीवन की हर शर्मिंदगी आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चली जाए। परमेश्वर आज आपके आंसुओं को पहुंचे और आपको बेबी की ब्लेसिंग दे। परमेश्वर आपको बेबी की ब्लेसिंग दे, आपके जीवन के सारे आंसुओं को परमेश्वर आज पहुंच दे। आपके जीवन के रुके हुए काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे होने पाए। रुका हुआ बिजनेस चलने लगे, रुकी दुकानें चलने लगे, रुकी रेडियां चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस। जो लोग इस समय बीमारी के बिस्तर पे कोमा में है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज आपको छुए और कोमा से बाहर आ जाए। परमेश्वर आज आपको छुए और बीमारी के बिस्तरों को आप उठा के चलने फिरने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे बीमार हैं, सर्दी जुकाम बुखार, आज यीशु के नाम से हील्ड हो जाए, यीशु के नाम से हील्ड हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हील्ड हो जाए। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सर, हर एक दुष्ट आत्मा आज आज तुझे फायर करते यीशु के नाम से, फायर करते हैं, फायर करते हैं, फायर करते हैं, इनके हस्बैंड के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से फायर करते हैं, इनके जीवन से फायर करते हैं, इनके घर से आज तुझे फायर करते हैं। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सर, हालेलुया। प्रभु अद्भुत रीति से शू लीजिए एक एक जनों को प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, आज इन्हें जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गुड न्यूज के साथ ब्लेस कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस कीजिए, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस कीजिए, सिस्ट की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, ब्रेन की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, सर की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, ब्रेन ट्यूमर से आजाद कीजिए प्रभु यीशु। वो जो क्लॉट जमे हुए शरीर में, परमेश्वर आइए के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से वो क्लॉट इसी वक्त हील हो जाए, इसी वक्त हील हो जाए। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए। थैंक यू जी सर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जो सुन नहीं पाते वो सुनने लगे, यीशु के नाम से सुनने लगे, यीशु के नाम से सुनने लगे। जो देख नहीं पाते, आंखों से धुंधला दिखाई देता है, आज प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी आता आपकी आंखों में आए और आप देखने लगे, आप देखने लगे। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सर, परमेश्वर आपको छुए और आजाद करे, प्रभु आपको छुए और अद्भुत रीति से छुए और आपको आजाद करे, आपको हील करे। हालेलुया, थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। आपके जीवन का हर एक रुका हुआ काम हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि वो चलने लगे। अद्भुत गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा है, चंगाई आपके जीवन का हिस्सा है, गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा है, हियरिंग आपके जीवन का हिस्सा है, लिसनिंग आपके जीवन का हिस्सा है। हालेलुया, जो बच्चे पढ़ने में वीक है, आज परमेश्वर आपके बच्चों को छुए और वो पढ़ने में इंटेलिजेंट हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जी सर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपके बच्चों को बुद्धि दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आज हम आपके बच्चों के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सर, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, आज हम आपके आंखों को अनॉइंट करते हैं, ब्लेस करते हैं, ताकि आप परमेश्वर को के विजन को देख सके, आपके कानों को ब्लेस करते हैं ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हालेलुया ब्लेस करना, सुपर ब्लेस करना प्रभु यीशु राजा, इनके जीवन के हर एक कमी और घटियों को दूर करके प्रभु यीशु राजा सुपर ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी भी कभी किसी भली वस्तु की घटी और कभी नहीं होगी। हालेलुया, थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु लंबी उम्र इन्हें देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उठा के खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो चल फिर नहीं पाते, व्हीलचेयर पे है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चलने फिरने लगे। व्हीलचेयर उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। यदि आप व्हीलचेयर पे हैं, आप कहें कि व्हीलचेयर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। कानों की जो मशीन लगी हुई है, कहें कि ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। ये जो आपको स्पेक्स लगी है आपकी आंखों के ऊपर, कहें कि ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। जो चीजों को आप यीशु के नाम से कहेंगे मेरे जीवन में से जाए, वो जाएंगी। जिन चीजों को आप यीशु के नाम से अपने जीवन के लिए मांगेंगे, वो आपके जीवन में एंटर करेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, थैंक यू जी सर। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु उन लोगों के लिए जो इस सुबह के समय में अपने बीजों को, अपने स्पेशल बीजों को आपके राज्य के लिए प्रभु यीशु जब बो रहे हैं, प्रभु इस बीज बोने के जरिए इनके जीवन के तमाम बंधन टूट जाए, तमाम श्राप टूट जाए प्रभु, अद्भुत रीति से छुए और आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। प्रभु सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अपने लिए निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए प्रभु जी, अपने लिए पवित्र बना के रखने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। सुबह की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें, हर एक प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार, शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा का आप सबने हिस्सा बनना है और हर एक प्रार्थना को आपने अटेंड करना है। लिंक को आपने दूसरों के साथ शेयर करना है और आप सब अपनी तैयारी कीजिए क्रिसमस की मीटिंग के लिए, न्यू ईयर की मीटिंग के लिए, क्रॉस ओवर मीटिंग के लिए। अब भी अपनी टिकट्स को बुक कराएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
हालेलुया। और लगातार सबकी प्रार्थना में याद रखे पॉइंट्स के साथ, जो लोग आना चाहते हैं परमेश्वर उनके लिए रास्तों को बनाए, हर हानि हर नुकसान से बचाए। हालेलुया। सारे बंधन परमेश्वर उनके जीवन से तोड़ दे, बंद दरवाजों को परमेश्वर खोल दे। ऐसे पॉइंट्स के साथ अपनी प्रार्थना करनी है कि इन मीटिंग्स में परमेश्वर अच्छा मौसम देना चाहिए, अच्छे इंतजाम परमेश्वर की ओर से होने चाहिए, इस तरह से सब कुछ परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हालेलुया। इस तरह से आपने प्रेयर पॉइंट के साथ प्रार्थना कर लिया। और सभी जन पास्टर दीप्ति जी के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखे, चर्च की जमीन के लिए, चर्च की पूरी टीम के लिए, चर्च की जरूरतों के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखे। हालेलुया। और आप सब ने हर एक मीटिंग का हिस्सा बनना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। और जो लोग अपनी स्पेशल ऑफरिंग को प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए आप बोना चाहते हैं, तो आप अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। अपने स्पेशल बीजों को बोने के बाद आप अपनी डिटेल्स को, जो गवाही भेजने का नंबर है, आप उस पर सेंड करें, शेयर करें। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहे, उसके वचनों में बने रहे। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।